Hello students, welcome again. Welcome to the new lecture of probability. Mathematical statistics का probability topic हम पढ़ रहे थे. कुछ videos हम कर चुके हैं जिसमें mainly definitions हमने देखी थी, numericals हमने किए थे कुछ, और probability की तीन approaches के बारे में हमने पढ़ लिया है, उनकी limitations पढ़ी थी, और last approach हमने जो तीन approaches पढ़ी थी वो कौन कौन सी approaches थी. पहली थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच हमने बोला था. सेकंड थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच, और थर्ड क्या थी, एक्सियोमेटिक अप्रोच. और एक्सियोमेटिक अप्रोच में हम सेट थ्योरी का यूज़ करते हैं, तो उसी एक्सियोमेटिक अप्रोच में जो तीन एग्जिम्स थी उन तीन एग्जिम्स का ही यूज़ हम करेंगे यहाँ पे. और कुछ थ्योरम्स, तीन थ्योरम्स मैंने लिखी हुई है, तीनों थ्योरम्स का प्रूफ देखेंगे, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ छोटा सा, इस न्यूमेरिकल को लास्ट में देखेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थ्योरम से, और ये ध्यान रखिए क्योंकि एक्सियोमेटिक का हम मेनली इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम और सेट थ्योरी का मेन हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ये आपको प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार का मतलब क्या है, ए के ना होने की, कोई भी इवेंट जिसमें ए का मतलब किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का होना, और ए बार का मतलब ए का ना होना, ये आपको पता है. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बार आएगा उसको ध्यान से समझिएगा. तो यहाँ पे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं, जो पहला वाला है उसमें ये आपका पूरा सैंपल स्पेस हो गया, ये इसमें ए हो गया, और ये हमने ले लिया बी. इसमें देखिए ये ए है, ये बी है, और ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी. आप अगर ध्यान से देखें, जो सेकंड बी का जो पोर्शन, ऐसा पोर्शन है जो ए में नहीं आ रहा है, उसको हम बी माइनस ए भी लिखते हैं. या अगर मैं इसको जो सेकंड पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी बार की बात करें, तो सॉरी ए बार इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए बार का मतलब क्या है, ए को छोड़ के उसके बाहर का पोर्शन, तो ए छूट जाएगा उसके बाहर का पोर्शन ये पूरा आ जाएगा, और उसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, इस बी के साथ, तो ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए बार इंटरसेक्शन बी. तो इस बी को हम ए बार इंटरसेक्शन बी ये भी लिख सकते हैं. बस यही आपको मेनली यहां पे समझना है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में. तो प्रूफ, वी हैव जो बी है, इस बी को ये वाला पोर्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ये बी आपका पूरा पोर्शन है, इसके इक्वल नहीं होगा. और ये ए बार इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन था, ये वाला. अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए बार इंटरसेक्शन बी इन दोनों का यूनियन कर लिया जाए, इसका और इसका यूनियन करेंगे, तो पूरा बी आपको मिल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों साइड पी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी. आप देखिए ये जो ए इंटरसेक्शन बी है और ए बार इंटरसेक्शन बी है, मैंने आपको एग्जिम बताई थी थर्ड एग्जिम में, क्या था, अगर कोई भी इवेंट, दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे क्या है, सिंस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए बार इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एक्सक्लूसिव अगर इवेंट्स होते हैं जिसमें, या डिसजॉइंट भी कह सकते हो कि दोनों डिसजॉइंट है, और डिसजॉइंट के केस में दो प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का यूनियन उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होता है, तो ये एग्जिम का यूज कर लेते हैं, प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल आ गया, पी बी, इसको यही रहने देते हैं, इसको यहाँ माइनस में रहेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. और यही आपको देखो इसमें प्रूफ भी करना था, और इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी बाहर निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी बाहर में आ जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो ये आपकी जो फर्स्ट थ्योरम है उसका प्रूफ हो गया. तो देखते हैं सेकेंड थ्योरम. सेकेंड थ्योरम में आप देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है. इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये सैंपल स्पेस हमने ले लिया, और बी किसका सबसेट है, ए का, तो ए बाहर होगा, और ये आपका
बी हो गया। ए बार क्या होगा, सॉरी बी बार क्या होगा, बी बार होगा बी के बाहर का पोर्शन, और उसका अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो ये जो रेड पोर्शन मैंने शेड किया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार, क्योंकि बी बार इसके बाहर और बी बार और ए में कॉमन सिर्फ इतना ही आएगा। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बार, और यहाँ पे अगर हम देखें वी हैव, सो ध्यान से देखिए, अगर मुझे ए निकालना है तो ए किन दोनों का यूनियन हो जाएगा, बी और इसका, बी को और ये बाहर शेडेड वाले को मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, यानी कि बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार। अब फिर से दोनों साइड प्रोबेबिलिटी अगर हम लेंगे तो पी यहाँ आ जाएगा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार, और दोनों फिर से देखो सिंस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बार आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है, और डिसजॉइंट के केस में क्या था, ये जो दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी थी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी बार। तो इसको यहाँ माइनस में ले जाएंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए माइनस पी बी, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड पार्ट में देखिए आप, सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें, मैंने आपको जो प्रोबेबिलिटी की एग्जाम बताई थी उसमें पहले एग्जाम कहती थी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा है उसके इक्वल, और इसकी वैल्यू हमने किसके इक्वल प्रूव कर दी है, पी ए माइनस पी बी, तो पहला ही रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा, और ये इधर जाएगा तो पी ए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पी बी, ये आपको सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था, और ये तभी होगा जब बी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। आते हैं लास्ट थ्योरम में, ये लास्ट थ्योरम भी जो है, जो अभी मैंने पहली थ्योरम आपको कराई उसी थ्योरम पे बेस है, दोबारा से मैं उस थ्योरम को एक बार और यूज यहां पे कर दे रहा हूं, पूरा सॉल्यूशन यहां पे करके दोबारा से आपको दिखा दे रहा हूं। ये हमने सैंपल स्पेस लिया था, ये ए था, ये पूरा बी था, ये क्या बन रहा था, ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या था, जो ये वाला पोर्शन था, वाला पोर्शन क्या था, ए बार इंटरसेक्शन बी। तो हमने बी को क्या लिखा था, मैं अब काफी डिटेल में आपको इसको पहले ही पार्ट में समझा चुका हूँ, तो उसी का हम दोबारा यूज कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बी किसका यूनियन था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी मैंने ली थी तो पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, और पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, पहले पार्ट में भी देखा था हमने, तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन वन। सिमिलरली ये भी मैंने सेकंड पार्ट भी आपको बता दिया था वहां पे, कि अगर यहाँ पे ए बार की जगह पे बी बार आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है वो क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू इवेंट्स, एक्चुअली जो ये क्वेश्चन थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें यहाँ पे ये जो पी लिखा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी होल की है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, तो इक्वेशन वन और टू दोनों को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने में क्या होगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो पी ए प्लस पी बी और माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी, और क्योंकि ए बार इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन है इधर का और ये वाला इधर का पोर्शन है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, तो इसको कंबाइंडली भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार, अगर ये डिसजॉइंट है तो इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा, और पी ए प्लस पी बी माइनस टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका अगली थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इसमें देखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 1/6। तीनों देखिए आप, तीनों क्या है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, सिंस ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये एक्सक्लूसिव है तो आप फिर से वही एक्जिमेटिक कि थर्ड एग्जाम का यूज करें, तो इन तीनों की यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगी। तो पी ए कितना दिया हुआ है 2/3, पी बी कितना है 1/4 और ये है 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, 13/12। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्कस एंड क्रिटिसाइज द फॉलोइंग। क्रिटिसाइज का मतलब क्या है, इसमें आपको चेक करना है कि कुछ ना कुछ कंडीशन इसमें हो सकता है कि आपको गलत मिल सकती है, वो कंडीशन आपको देखिए क्या गलत मिल रही है। यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 से बड़ी आ रही है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था एक्जिमेटिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से हमेशा क्या होती है, छोटी या उसके इक्वल हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये तीनों इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं रहे होंगे, ये डिसजॉइंट नहीं रहे होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, तीनों प्रोबेबिलिटी का यूनियन जो है इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, लेकिन इनका सम जो है वो क्या आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो आज के प्रोबेबिलिटी के वीडियो में हमने थ्योरम करी और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखा, आगे भी इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे और उसके बाद हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल्स और एक्सपेक्टेशंस के टॉपिक जल्दी आपके सामने में लेकर के आने वाला हूँ।